अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन पे न्यू कॉइन लिस्टिंग का सिलसिला हमेशा इसीलिए जारी रहता है कि कुछ कॉइन को डीलिस्ट भी किया जाता है। ठीक इसी तरह बाइनांस ने जिस तरह इस महीने में अच्छे खासे कॉइन लिस्ट किए, वहाँ पर कुछ कॉइन डीलिस्ट भी बाइनांस करने जा रहा है। तो दोस्तों, वो कौन से कॉइन हैं उसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे, और अगर आप उनमें टाइम के साथ एग्जिट नहीं लेते तो आपको फिर माइग्रेशन कैसी करनी होगी, किस तरीके से करनी होगी, उसके ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो के एक भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा, ना ही आपने वीडियो को स्किप करना है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा ये वाक्या हमारे साथ पेश आया है कि जब डीलिस्ट की जो टाइमिंग होती है, जो वक्त होता है, वो गुजर जाता है तो 95% ऑडियंस इस बात को लेकर के परेशान होती है और सिर्फ सवालों के अंबार लगा देती है कि सर फलाना कॉइन हम एक्सिट करके माइग्रेट करना भूल गए, अब उसका क्या करें, आज सुबह उठे तो वो हमारे पोर्टफोलियो में दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इन सारे सवालों से और टेंशनों से अगर आप बचना चाहते हैं तो दोस्तों आपने क्या करना है, जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसे फॉलो कीजिएगा। और अगर ये कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं फिर तो आपको फ़ौरन इन्हें एक्सचेंज कर लेना चाहिए, और अगर नहीं है तो चाहे वीडियो वहीं पे बंद कर दीजिएगा जहां पर ये कॉइन आपके पास नहीं होंगे। तो ये चीज़ें सब आपको मैं आगे चल करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे क्रिप्टो की दुनिया से कोई भी हमारी तरफ से आती हुई इंफॉर्मेशन से जुड़ी वीडियो मिस ना हो तो आपने हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करने के साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर देना है। तो बढ़ते हैं जल्दी से कॉइन डी लिस्टिंग की तमाम तफसीलात की तरफ। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि हम आगाज़ लें उन कॉइन की लिस्ट का कि कितने कॉइन इस वक्त बाइनांस जो है डीलिस्ट करने जा रही है और क्या उनकी आखिरी डेट है, एक सवाल जो हमें समझ लें कि हज़ारों की तादाद में मौसूल होता है और वो डीलिस्ट कॉइन से रिलेटेड ही है कि कॉइन्स को बाइनांस जैसी एक्सचेंज डीलिस्ट क्यों कर देती है। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि जहाँ पर बाइनांस ये देखता है कि मार्केट में उनका अगर कोई कॉइन, मान लें कि हैजिक की ही बात कर लेते हैं, इस कॉइन को पूछा नहीं जा रहा, लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, इनका प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली जो कंपनी थी वो इस वक्त इनके अंदर इतनी ज़्यादा कोई एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। जब ये सारी चीज़ें एक साथ नोट कर ली जाती हैं और अवाम का जो रुझान है वो बिल्कुल उनको कम दिखाई देता है तो फिर वो उस कॉइन को डीलिस्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या वो स्कैम कॉइन्स होते हैं जिनको डीलिस्ट कर दिया जाता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये स्कैम कॉइन्स नहीं होते, इनके अंदर पोटेंशियल नहीं होती और इस चीज़ का हर कंपनी अपने आप में हक रखती है। अब आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि हर कंपनी हर तरह की कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लेकिन वो एक टाइम तक, एक मुअय्यना मुद्दत तक अपनी प्रोडक्ट को एनालिसिस करती है कि मार्केट में उसकी कोई वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है, नहीं एक टाइम आता है वो उसे बंद कर देती है। तो इसी तरह ही हैजिक कॉइन के साथ हुआ, इसके प्राइस जो इस वक्त हमें आपको देखने को मिल रहे हैं 0.02 सेंट, अगर आप बिलफर्ज़ इसे अपनी टाइम पे एक्सचेंज करवा लेते हैं, मतलब टाइम जो इसकी डेट दी गई है, डेट है दोस्तों इस वक्त जो हमारे पास नोट की गई है वो है 11 अप्रैल। ये सभी कॉइन्स जो हैं आपने 11 अप्रैल से पहले पहले जो है एक्सचेंज करवा लेने हैं। अगर आप लेट्स सपोज मिस कर देते हैं, पैसे आपके तब भी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है दोस्तों। फिर वो कॉइन बाकायदा जो है रिव्यू में चले जाते हैं, आपका जितना भी असासा होता है, मान लें आपने हैजिक में ही पैसा लगा कर रखा है तो ये चीज़ फिर आपकी रिव्यू में चली जाएगी। सबसे पहले वो कॉइन आपका, एक सुबह आप उठते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो से गायब होता है। सबसे पहला पैनिक ये, 4 से 5 दिन तक उसका स्वैपिंग कॉइन मार्केट में आता है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा एनी स्वैप की जगह मल्टी कॉइन आया है, मल्टी चेन से जुड़ा हुआ। अब अभी तक उनके जो अल्टरनेटिव लोग हैं जिनके पास उनका सरमाया था एनी स्वैप में कन्वर्ट हुआ, अभी तक उनको उसके पैसे कन्वर्ट नहीं हो सके, लेकिन ये कन्फर्म है कि उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, कई दोस्त हैं उनको उनका स्वैप मिल चुका है मल्टी में, लेकिन जाहिरी बात है जब तक मल्टी उतनी अमाउंट पे नहीं आ जाता जितनी देर तक यूनिस्वैप की अमाउंट बनती है, तो तब तक भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि अमाउंट रुकी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास हैजिक कॉइन मौजूद है तो आप इसे 0.02 सेंट के अकॉर्डिंग जो आपकी प्राइस बनती है इसे सेल करके मार्केट से निकलें और इसमें थोड़ी सी भी देर ना करें, क्योंकि इससे पहले कि आपकी ये 11 अप्रैल की डेट मिस हो जाए तो फिर आपको भी मजाक में मेरे ख्याल से 7-8 दिन वेट करना पड़ जाएगा। किसके लिए? स्वैपिंग के लिए। अब बढ़ते हैं दूसरे कॉइन के लिए की तरफ, जिसे
डीलिस्ट किया जा रहा है और उसकी क्वाइन की प्राइस जो कि है बहुत अच्छी खासी है और मैं समझता हूँ बड़े कम लोगों के पोर्टफोलियो में ये क्वाइन मौजूद हो। दोस्तों जो दूसरा क्वाइन इस वक्त बाइनांस डीलिस्ट करने जा रही है ये BTC ही होता है किस्म का और इसका जो नाम है मतलब फ्रेंचाइज की नस्बत इसे चेंज कर दिया जाता है रेन BTC अमाउंट प्राइस इसके सेम BTC जैसे ही होते हैं। इससे भी बाइनांस जो कि है अपने जो लिस्ट है कॉइन्स की उससे डिलीट करने जा रही है और आपने जेन में रखना है कि ये भी कॉइन कोई स्कैम नहीं है। और दूसरी तरफ एक सवाल हमें दोस्तों और भी देखने को मिल रहा है कि रेन BTC जो कि रैंक का इतना ज़बरदस्त कॉइन है इसे क्यों डिलीट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपके जितने भी सवाल हैं रैंक वाइज प्रोजेक्ट वाइज ये बिल्कुल फील मत कीजिएगा बेमानी है। यहाँ पर जब कोई कॉइन डिलीट किया जाता है तो उसके कोई मानी नहीं होते। हो सकता है कि कल को चलते चलते बाइनांस का दिल करे वो देखे कि मिसाल के तौर पे जस्ट फॉर एग्जांपल अब इसे यहाँ पर कहीं लिख ना लीजिएगा कि ये हरफ आखिर हो गया कि वो बिल्फर सैंड या माना या मेटावर्स के साथ कोई उनकी अनबन हो जाती है तो वो उसे अब डीलिस्ट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, वो आपको दूसरी लिस्ट एक्सचेंजेस पर ईजीली मिल जाएंगे जैसे कि OKX XBT जितनी भी एक्सचेंज है यानी कि उसके बाद आपने देखा होगा KuCoin है तो वहाँ पर दोस्तों ये कॉइन आपको इजीली मिल जाएंगे अगर बाइनांस ने डीलिस्ट कर भी देती है। और अगर बात करें इसकी लास्ट डेट की तो दोस्तों ये इस कॉइन को मतलब इसके बाद भी जो मैं कॉइन आपसे शेयर करने वाला हूँ इन्हें 11 अप्रैल तक जो कि है कम्प्लीटली जी बिल्कुल 11 अप्रैल को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड वन कॉइन की तरफ। तो लास्ट में हम बात करेंगे SUSD क्वाइन के बारे में। ये करेंसी भी है ये क्वाइन भी है जस्ट थीटर की तरह और इसमें गिव एंड टेक वगैरह का काम भी डिफरेंट मुल्कों में किया जाता है। पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है लेकिन कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहां पर जिस तरह TRX के ज़रिए भी आपने देखा होगा कि बाइंग होती है, लिहाजा इसे भी बाइनांस जो कि है सेम डेट पे 11 अप्रैल को डीलिस्ट करने जा रही है। तो दोस्तों ये तीनों क्वाइंस अगर आपके पास वाफर मिकदार में पड़े हों या नहीं है तो वो तो सबसे अच्छी बात है लेकिन आप इसे 11 अप्रैल से पहले एक्सचेंज करवा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि वीडियो यहां पर मैं ख़त्म करूं मैं आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूं इस बात के साथ कि जब जिस मंथ 3, 4, 5, 7, 8 क्वाइन जो कि डीलिस्ट किए जाते हैं उसी मंथ उतने ही क्वाइन लिस्ट भी किए जाते हैं। यानी कि अब अप्रैल में कि आपने देखा होगा कि अभी तक कोई कॉइन बाइनांस की तरफ से लिस्ट नहीं हुआ तो ये इस चीज़ की खुशखबरी है कि बाइनांस अब बहुत जल्दी आपको कुछ नए कॉइन लिस्ट करवाएगा मुतारिफ करवाएगा और यकीनन वो प्रोजेक्ट आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा फ़ायदा दे करके जा सकते हैं। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।